हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे हैक टिप लेके आ चुके हैं कि आपके टाइम भी बचने वाले हैं और दोस्तों आपके किचन में भी काफ़ी काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहला हैक टिप मेरा इस तरीके से माचिस को लेके है। तो दोस्तों, इस तरीके से माचिस हम जलाने में ही इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए आज हम माचिस को कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से माचिस ले लेना है, 5 से 10 तिल्लियाँ इस तरीके से ले लेनी है और इनके एक गुच्छे बना लेने हैं, जैसे कि रबड़ लगा लेना है मुझे इस तरीके से। जितना ज़रूरत है उतना ही हम लेंगे। तो देखिए, 2 से 3 जगह मैं इस तरीके से रबड़ लगा लेती हूँ। दोस्तों, माचिस का ये जो तिल्ली है इसका रियूज काफ़ी अच्छा है। तो देखिए, मैं 2 से 3 इस तरीके से लगाने के बाद मैं इसका रियूज बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो देखिए, इस तरीके से लगा लिया है जितना मुझे ज़रूरत है फिलहाल। तो दोस्तों, क्या होता है ना कि हमारे घर में गेहूं हो गया, इस तरीके से चावल हो गया और हम जो राशन का सामान महीने के लेके रख लेते हैं, इसमें कीड़े फवंस बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि मैं चावल में नमक भी डाल के रखती हूँ कि इस तरीके से हमारा चावल ख़राब नहीं होता है। और जो ये माचिस की तिल्लियाँ ली हूँ मैं, इसमें चावल में ही डालने के लिए ली हूँ। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि माचिस की जो तिल्लियाँ हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें भिनी भिनी अपना स्मेल देती है। और क्या है ना कि इस तरीके से हमारे ये जो राशन का चावल है बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है। इस तरीके से ढक देंगे तो जितना भी ये माचिस की तिल्ली के स्मेल है बिल्कुल इसके अंदर भीन के जितने भी कीड़े हैं ख़त्म कर देगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला हैक टिप। तो दोस्तों, ये जो बर्थडे में ये जो केक वगैरह आती है वो नीचे वाली प्लेट है, तो मैं इसको फेंकी नहीं हूँ, इसको मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए, आज मैं इसको कैसे इस्तेमाल करती हूँ। और दोस्तों, आप ये रोल देख रहे होंगे, स्काई सूट ये जो पटाखे होते हैं ये उसका रोल है। तो जो हम कबाड़ी समझ के इसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों, मेरे घर में आया हुआ था इस तरीके से, ये स्काई सूट का ये जो पटाखा है ये आया हुआ था, तो मैं इसको फेंकी नहीं हूँ, मैं इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ। एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी होने वाला है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने पेपर ले लिया है और पेपर में इस तरीके से ग्लू लगा के मैं इसके ऊपर, रोल के ऊपर अच्छी तरीके से लगा लेती हूँ। तो इसका साइज़ हम नाप लेते हैं, बराबर करते हुए मैं इस पे रोल पे अच्छी तरीके से इसका अच्छी तरीके से ड्राइंग कर देती हूँ कि ताकि ये जो रोल है देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो दोस्तों, इसी तरीके के छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र आप अपने घर में बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं। और दोस्तों, इस तरीके के जब हम ऑर्गेनाइज़र बाहर से लाते हैं ना दोस्तों, तो आपने देखा होगा बहुत महंगे इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र आते हैं। तो क्यों ना दोस्तों, इस तरीके से हम अपने घर में ऐसे छोटे छोटे हैक टिप देख के अपने घर में ये ट्रिक आजमाए तो हमारे ट्रिक काफ़ी काम आते हैं दोस्तों। और दोस्तों, साथ ही साथ हमारे पैसे भी और टाइम भी बचते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैंने इसमें फेविकोल लगा दिया है। अब फेविकोल लगाने के बाद मैं इसमें अच्छी तरीके से इसमें अटैच कर देती हूँ। तो दोस्तों, आगे की प्रोसेस भी मैं बताऊँगी कि इसको मुझे क्या करना है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और वीडियो अगर जरा से भी पसंद आता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये ट्रिक कैसा लगा। तो चलिए, अभी जो केक के नीचे वाला प्लेट है मैंने रख लिया है। देखिए, इसी तरीके से मैंने 4 रोल में इस तरीके से अलग अलग पेपर चिपका लिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने ग्लू मशीन से इस पर अच्छी तरीके से 4 लगा लिया है। तो देखिए, चारों बहुत अच्छी तरीके से अटैच हो चुका है। ग्लू मशीन नहीं है तो आप फेवी क्यूब से भी अच्छी तरीके से इसको लगा सकते हो। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा ही हमारा ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। तो चलिए, मैं इसमें एक छोटा सा काम और करने वाली हूँ। इस तरीके से मैंने ले लिया है कैप। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे घर में पेप्सी वगैरह आते रहते हैं और जीरे के बोतल जो आते हैं उनके साथ बहुत सारे कैप रहते हैं, उनको भी हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको अटैच कर लिया है। तो देखिए, अब मैं ग्लू मशीन कैप में लगा रही हूँ, ग्लू लगा रही हूँ कैप में, और इस तरीके से मैं इसके ऊपर अटैच कर देती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से थोड़ा ये गीला है तो इसमें अटैच नहीं हो पाया है। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसको लगा के और इसमें अच्छी तरीके से अटैच कर दूंगी। अब बहुत इजीली तरीके से ये अटैच भी हो जाता है। तो चलिए, इसी तरीके से मैं 4 कैप को अच्छी तरीके से लगा देती हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस आइडिया को अगर आपके घर इस तरीके से है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल भी आप सभी को भी पसंद आने वाला है, मुझे तो ये ट्रिक बहुत पसंद आया है। तो चलिए, ग्लू मशीन के हेल्प से, ग्लू के हेल्प से मैंने इस तरीके से अच्छी तरीके से अटैच कर लिया है। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी तरीके से ये अटैच हो चुका है। तो दोस्तों, ये हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरीके जो प्लास्टिक की कटोरी आपने देखा होगा, हम जब कोई बाहर से चीज़ मंगाते हैं तो इस तरीके प्लास्टिक की कटोरी में आता ही है।
तो चलिए इसके ऊपर भी मैं ग्लू लगा लेती हूँ। अब ग्लू लगाने के बाद अब देखिए जो मैंने प्लेट को अच्छी तरीके से अटैच कर रखा है, इसको ऊपर मैं इसको रख के अच्छी तरीके से इसको अटैच कर देती हूँ। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो चुका है, बिल्कुल टिकाऊ। इसको आप कहीं भी रख दीजिए, यकीन मानिए दोस्तों इसको आप कहीं भी रख देंगे ना तो कोई इसको बुरा नहीं बताने वाला है। और काफ़ी मज़ेदार ये हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो चुका है। तो इसको दोस्तों आप कहीं भी रख देंगे, कोई भी इसमें बिल्कुल गलत नहीं बताने वाला है। तो दोस्तों इसको मैंने कटोरी नीचे लगाया है, इसको आप कहीं भी खिसका सकते हैं। तो देखिए ये हमारा बर्तन स्टैंड बनके रेडी हो चुका है। इसमें कटोरी इस तरीके से हैंग कर दीजिए या कप हैंग कर दीजिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ना, इस तरीके से आप धुल के भी रख देंगे या किचन में इस तरीके से लगाना चाहे तो आप बीच में भी इस तरीके से, एक मैं लगाना चाहती थी लगा लेती, मैंने लगाया नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हमारा बर्तन स्टैंड बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने कटोरी जो लगाया है इसको कहीं भी इस तरीके से खिसका सकते हैं, क्योंकि प्लेट में रखती थी बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल ही दिखा रही हूँ आपको, ये हमारा स्टैंड बन के रेडी हो चुका है। बिल्कुल भी ये गिरने वाला नहीं है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए अगला एक टिप देख लेते हैं दोस्तों। ये जो कलर की डिब्बी होती है, तो बच्चे क्या करते हैं ड्राइंग करने के बाद ये कलर की डिब्बी फेंक देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज मैं यही कलर की डिब्बी इस्तेमाल करके और इसका छोटा सा ऑर्गेनाइजर बना के दिखाने वाली हूँ। तो देखिए मैंने डबल टेप ले लिया है और डबल टेप लेने के बाद इस तरीके से मैं इसके ऊपर अटैच कर देती हूँ। 2 से 3 टेप अच्छी तरीके से इसके ऊपर अटैच करने के बाद हम देखेंगे ना कि इसको अच्छी तरीके से टिकाऊ हो जाएगा। इसको हम दोस्तों कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से जो ऊपर से ये लगा हुआ डबल टेप के ऊपर पेपर, मैं इसको निकाल देती हूँ। तो चलिए अब इसको मुझे कहाँ पे हैंग करना है। तो दोस्तों इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही कमाल का आइडिया है, इस तरीके से आप अपने बाथरूम में हैंग कर दीजिए। देखिए इस तरीके से मैं अटैच कर दे रही हूँ। तो चलिए अब मैं इसमें हैंग करके दिखा देती हूँ। कमरे में भी हैंग कर देंगे तो दोस्तों बिल्कुल हैंग का ही काम करेगा ये। तो देखिए इसमें छोटे मोटे सामान आप इस तरीके से बहुत इजीली तरीके से लगा सकते हैं। देखिए इसमें आप ब्रश वगैरह भी लगा सकते हैं, बहुत इजी तरीके से बन भी जाता है और दोस्तों देखने में तो काफ़ी ये परफेक्ट लगता है। तो देखिए मैं इसमें ब्रश भी हैंग करके दिखा दी हूँ और देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों इस तरीके की ये जो कलर की डिब्बी रहती है ना, इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। इस तरीके से आप अपने घर में, किचन में, बाथरूम वगैरह में कहीं भी इस तरीके से हैंग कर देंगे तो इसमें छोटे मोटे सामान, यहाँ तक कि दोस्तों चाबी के छल्ले भी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। इसमें से टिप और ट्रिप आप सभी को कौन सा पसंद आए, अगर वीडियो जरा से भी पसंद आता है आप सभी को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।